नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मरुधरा न्यूज। बात करते हैं आज की सिलेक्टेड और काम की मुख्य खबरों पर। पीएम मोदी बोले, प्रार्थना करता हूं कांग्रेस 40 सीटें बचा ले। कहा, कमांडर नहीं है तो खड़गे जी खुलकर बोल रहे हैं, युवराज का स्टार्टअप लॉन्च ही नहीं हो रहा। आज ब्याज दरों का ऐलान करेंगे आरबीआई गवर्नर, रेपो रेट में बदलाव की उम्मीद नहीं। 6 फरवरी से चल रही थी एमपीसी की मीटिंग। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पास, लिव इन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी, ऐसा नहीं करने पर 6 महीने की सजा। जयपुर में 20,000 कॉलोनियां अभय कमांड से जुड़ेगी, सीसीटीवी कैमरों के जरिए होगी सीधी मॉनिटरिंग, जहां कैमरे नहीं लगे वहां भी लगाने की तैयारी। जीएनएम एग्जाम की फीस 50% बढ़ाई, नर्सिंग कॉलेजों में कॉपियों की रीचेकिंग, डुप्लीकेट मार्कशीट निकलवाना हुआ महंगा, नर्सिंग काउंसिल ने जारी किया आदेश। उप मुख्यमंत्री ने लेखानुदान को दिया अंतिम रूप, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दिया कुमार राज्य का पूर्णकालिक बजट पेश नहीं करके फिलहाल लेखानुदान पेश करेंगी। रीट पेपर लीक में शिक्षा संकुल पहुंची एसआईटी, स्ट्रॉन्ग रूम में खंगाले दस्तावेज, एडिशनल एसपी बोले जांच में कई खामियां छोड़ी गई। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए प्रश्न बैंक जारी, सरकारी स्कूलों में 10वीं 12वीं के छात्रों को मिलेंगे ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्नों को किया शामिल। डीजीएसईबी ने सभी चौकी प्रभारियों की ली बैठक, डीजीएसईबी ने कहा, वहां जाएं अधिकारी जहां पर रिश्वत का खेल चलता हो। 50,000 शिक्षकों के प्रमोशन की राह खुली, शिक्षा विभाग की भर्ती में सभी पेपर में 40% अंक की बाध्यता भी खत्म की गई। रॉयल ट्रेन का किराया 1.5 लाख रुपए तक बढ़ा, बच्चों की छूट 50 से घटाकर 25% की गई। अमित शाह और बिरला से मिले सीएम भजन लाल, राज्यसभा उम्मीदवारों की जल्द घोषणा, सीएम की प्रदेश के सांसदों के साथ चाय पर चर्चा। सफाई कर्मचारी भर्ती इंटरव्यू नहीं, अब प्रैक्टिकल पर होगी, अब 24,956 पदों पर होगी सफाई कर्मचारियों की भर्ती। भारत आ रही अमेरिकी जहाज पर हमला, ब्रिटिश शिप पर भी ड्रोन अटैक, 3 दिन पहले यूएस यूके ने हुती ठिकानों को बनाया था निशाना। वित्त मंत्री से मिले पेटीएम के सीईओ, मदद मांगी निर्मला सीतारमण, बोली आरबीआई की कार्रवाई रेगुलेटरी मैटर, आप डायरेक्ट उनसे डील करें। उत्तराखंड कांग्रेस नेता हरक सिंह राउत के ठिकाने पर छापे, ईडी की उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में 12 जगहों पर सर्चिंग जारी। बुमराह नंबर एक टेस्ट बॉलर बनने वाले पहले भारतीय पेसर, अश्विन तीसरे स्थान पर पहुंचे, टॉप 10 बैटर्स में विराट, इकलौते इंडियन। दिल्ली के कोच पॉन्टिंग बोले, ऋषभ पंत आईपीएल खेलेंगे, इंपैक्ट प्लेयर बनकर बैटिंग करेंगे, पर कप्तान और कीपिंग तय नहीं। पीएम मोदी शाह और नड्डा से मिले सीएम नीतीश कुमार, बोले अब कहीं नहीं जाएंगे, लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर बात नहीं। झारखंड के पूर्व सीएम सोरेन की रिमांड 5 दिन बढ़ी, ईडी कर रही पूछताछ, पत्नी कल्पना ने लिखा, आज मैरिज एनिवर्सरी पर हेमंत साथ नहीं। केजरीवाल की 17 फरवरी को कोर्ट में पेशी, ईडी की शिकायत पर समन भेजा, जांच एजेंसी के 5 समन पर पेश नहीं हुए थे। कांग्रेस प्रभारी बोले, नेताओं ने खुद को बड़ा समझ लिया, डोटासरा ने कहा, शिक्षा मंत्री कांग्रेस का पाठ्यक्रम बताते हैं जबकि एनसीईआरटी तो भारत सरकार की है। विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ अगले 2 टेस्ट से बाहर, पारिवारिक कारणों के चलते नहीं खेलेंगे, जडेजा राहुल की टीम में वापसी संभव। आज राजस्थान में बजट में नई भर्तियों का ऐलान संभव, ओल्ड पेंशन स्कीम में बदलाव और पेट्रोल डीजल पर वेट घटा सकती है राजस्थान सरकार। राजस्थान में बारिश का दौर जारी, आज भी अलर्ट, रात में बढ़ सकती है सर्दी, नए सिस्टम के कारण तेजी से बदल रहा मौसम। पंजाब हिमाचल दिल्ली में आज कोल्ड वेव का अलर्ट, एमपी राजस्थान में बढ़ेगी ठंड, 2 डिग्री गिरेगा तापमान, नॉर्थ ईस्ट में बारिश की संभावना।